काला ले गई थी उसको जबरदस्ती। तो भाई निकाह करके भेजते, ये कहाँ का दस्तूर है। जिसके साथ बदनाम हुई, अखबारों में खबर छपी, इसी के साथ ऐसी छोड़ दिया बकर निकाह के, कहाँ की शराफत है ये। इंसान दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं तीन से मिलने आई हूँ। मैं तीन को पता चल गया ना, हाथ तोड़ देगा तुम्हारा। अच्छा, हाथ तोड़ देगा। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। आ जाओ, देखो कौन आया। भाई आया तुम्हें लेने के लिए। मुझे लगा आप लोगों का इसका यहां से जाना बुरा लगे शायद। बुरा क्यों लगेगा, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। बैठो। नहीं, बैठना क्या, चलते हैं। चलो राबी, चलें। कहाँ चलो, कहाँ, क्या मतलब, घर चले। मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है मेरा। आप किस घर की बात कर रहे हैं। अब बेटा, भाई लेने आया है तुम्हें, उसके साथ जाओ अपने घर। भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है मेरा। अगर मेरा भाई होता तो क्या मैं ऐसे धरपदर हो रही होती। नहीं ना, तो मेरा तो कोई भाई नहीं है, कोई घर नहीं है मेरा। मैं नहीं जाऊंगी, बदकारों के भाई नहीं होते। तो मेरा कोई भाई नहीं है, भाई नहीं है मेरा। मुझे पता है ना मेरा कोई भाई नहीं है, मैं यहां हूं, मेरा कोई भाई है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। आप मुझसे तंग आ गए हैं, तंग आ गई हमसे। आप लोग मुझे मुझे सड़क पे छोड़ दे, मैं वहां पे रहूंगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं है, चलो आओ हम अंदर चलते हैं। आज अंदर चलते हैं, आओ अंदर चलते हैं, नहीं जा रहे हैं कहीं, नहीं जा रहे। बाल, अभी राबी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं कुछ ही दिनों में से खुद तुम्हारी तरफ ले आऊंगा, अभी ये नहीं जा सकेगी। आपको पता है वो वही अपने यार के साथ रह रही, और बच्चा भी उसी का है। हमारी बलस, हमें क्या लेना देना किसी से भाई, है नहीं है। अच्छा भाभी, एक बात कहनी थी आपसे। वो मुझे जो है ना, इस घर में डर लगने लग गया है, लगता है दीवारें काट रही हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भाईजान की और मतीन की रूहें घूम रही हैं यहाँ पर। तुम्हारे मुंह में खाक, रूहें घूम रही हैं। मतीन सुबह का दफ्तर गया हुआ है, मतीन के अब्बा आते होंगे, अभी मैं हंडिया चढ़ाने जा रही थी। अच्छा, लेकिन क्यों ना हम इस घर को बेच दें और किसी अच्छी जगह घर ले लें। क्यों, क्यों बेच दें भाई, क्यों बेच दें। मतीन के अब्बा कभी राजी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। अरे उनके खून पसीने की कमाई से घर बनाए, घर ऐसे थोड़ी बिकते हैं। और फिर मतीन कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा वो। घर बेच दें, कभी सोचना भी नहीं है फजूल बात, घर बेच दें। मैं हंडिया चढ़ाने जा रही हूँ, मैं मतीन के अब्बा आते ही होंगे। हाँ, दोबारा बात की नहीं करो, नहीं खराब, बेच, फजूल की बात, दिमाग खराब। इनके बाप का माल है, ये भेज दें, वो भेज दें, ये कर लें, वो कर लें। वो क्या कहावत थे फजूल सी, कि जब घी और, अरे यहाँ तो पूरा का पूरा घी ही पिघला हुआ है। अगरम साहब, आराम से घर भेजो, आराम से। Thank you.
हंसना मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया राबी। अपने बेटे की शरारतों पे भी नहीं मुस्कुराती। माजी को भूल जाओ, तुम इंसान हो, इन खुशियों पे तुम्हारा भी हक है। ऐसे जिंदा लाश बन के मत फिरो। मुझे क्यों नहीं महसूस होता कि मैं जिंदा? क्योंकि तुमने महसूस करना छोड़ दिया है राबी। इकबाल रोज फोन करता है, गिला करता है, वो तुम्हें घर ले जाना चाहता है और तुम्हें तुम्हारा आबाद देखना चाहता है। मुझे उनके पास नहीं जाना, तो मुझे किसी शेल्टर होम में भिजवा दो। अगर तुम्हें शेल्टर होम में भेजना होता तो तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता, तुम्हारा इलाज क्यों करवाता? आखिर कब तक हकीकत को झुठलाती रहोगी? क्या कहना चाहते हो तुम? जो तुम सुनना नहीं चाहते, कुछ साल पहले भी कहा था, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता राबी, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं इकबाल भाई के पास जाना चाहती हूँ। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है, जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है, दिल की हालत को बताए तो बताए। सौ दफा जीता है, सौ मरतबा मर जाता है। सारा पता तो है तुम्हें कि राबी कितनी जिद्दी और भटधर्म है। कई मरतबा गया है इकबाल उसे लेने के लिए, नहीं आई। हाँ, इलाज तो चल रहा है। अम्मी, शुक्र है काफी बेहतर। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अम्मी, क्या बात है इकबाल? अम्मी, वो फरबा की तबीयत खराब हो रही है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। अच्छा, तुम ऐसा करो, टैक्सी लेकर आओ, मैं देखती हूँ फरबा को। फरबा के साथ आप हैं? जी। मुबारक हो, बेटी हुई है। डॉक्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। आइए आइए, बैठिए। आप बच्ची के फादर हैं? जी। माशाल्लाह आपकी बेगम बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र। हम उन्हें सुबह छुट्टी दे देंगे और बच्ची भी जहनी तौर पे मुकम्मल फिट है। जहनी तौर पर मतलब? मतलब ये कि जहनी तौर पर तो मुकम्मल फिट है, मगर अफसोस कि उसका दाया पांव पैरालाइज है। घबराने की कोई बात नहीं है, हम उसका इलाज करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बस कर तो बेटा, ऐसे मत रो, मैं तबीयत खराब हो जाएगी। क्या मेरी बेटी अपने पांव पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी?
मैंने आपको हमेशा बहुत तकलीफ दी है, मुझे आज माँ के दर्द का एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बस चुप हो जाओ। इंशाल्लाह हमारी हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी, हम इलाज करवाएंगे उसका। बस अमी इसकी इसकी मजदूरी नहीं देखी जा रही, मुझे माफ कर। खुदा के वास्ते मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दे। ये लड़ाई साथी मुझे मेरा दिल कट रहा है, अभी मैंने झूठ बोल के आपसे मकान के कागजात लिए थे, रावी सारा के साथ मनसलूकी की है, मुझे माफ कर दे, ये मेरी सजा है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। मत करो ऐसा, उठो उठो, मत रो। अल्लाह ने ये क्यों किया मेरे साथ, मत रो। मैं भी अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती। एक बार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस बस बेटा मेरे लिए ये बहुत है। चुप हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नीचे ना गिरना, यहाँ बैठो। भाईजन ने बहुत प्यार से बनाया था ये घर, अच्छे पैसे लगाइएगा। कौन? बस मतीन। हाँ मैं आता हूँ, आप अंदर जाएं। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। वो तो आप मतीन अच्छी के अब्बा आने वाले होंगे ना। अरे आप अंदर जाएं ना, मैं आ रहा हूँ। क्यों, मैं क्यों अंदर जाऊँ? आप चले, मैं आ रहा हूँ, जाएं आप। कौन हो भाई? अंदर क्यों नहीं जा रही? गैर मर्दों के सामने क्यों आ जाती हैं आप बाहर? मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी जाऊंगी, चीख क्यों रहे तुम इतना? कौन आया था? मतीन आने वाला होगा। बेच रहा हूँ इस घर को, बेच रहा हूँ। मतीन आता है यहाँ पे? मतीन के अब्बा आएंगे, कहाँ बैठा के खाना खिलाऊंगी मैं उन्हें? कैसे, क्यों? बस करें, बस करें, बस करें। ये घर मेरे बड़े भाई का है, वो दुकान और घर मेरे बड़े भाई की है, और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है इसे बेचने के लिए, समझ गए आप? बेचने तो नहीं, इस घर को तो हाथ नहीं लगा दूंगी। छोड़ें। मैं कह रही हूं ना, मैं नहीं बेचने दूंगी। ये राबी और मतीन का घर बांधी है, आसानी से पकड़ लेंगे आप। और आप जैसी जालिम सफाक औरत के साथ यही होना चाहिए। अपने इकलौते बेटे की खुशियां खा गई, अपनी बहू और छोटे से नन्हे से पोते को घर से धक्के देके बाहर निकाला आपने, और क्या क्या करना चाहती हैं आप? तुम ठीक आदमी नहीं हो रावी ने मुझे बताया था तुम ठीक आदमी नहीं हो। तुम इन्हें मतीन के अब्बा को मारा, तुम इन्हें। मैं ये घर बेच के रहूंगा, समझी? नहीं, मेरे घर को कोई नहीं बेच सकता,
मैं मतीन के अब्बा से शिकायत करूंगी। मतीन के अब्बा को भी तुम ही ने मारा है। राबी ठीक कह रही थी, ठीक आदमी नहीं है ये हम कहां जाएंगे? ये घर बिक गया तो है? मैं शिकायत करूंगी। नहीं तो घर तो नहीं बेचने दूंगी मैं अपना किसी को कभी भी। मतीन के अब्बा, घर तो कभी भी नहीं बेचने दूंगी मैं किसी को। घर नहीं बेचने दूंगी मैं। बड़ी मेहनत से बनाई घर, राबी को भी वापस लाऊंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा। राबी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादतियां की है तुम्हारे साथ। माफ कर दो बेटा। ऐसा मत करो भाई, प्लीज। मैं तो भाई था तुम्हारा, कैसे इतना सफाक हो गया? तो दुनिया के रहमो करम में छोड़ दिया। बच्ची मेरी सजा है, जवाब कर दो बेटा, हाथ जोड़ दो। बस करो इकबाल, मत रो। अपनी की हुई ज्यादतियों का एहसास अगर वक्त पर हो जाए ना, तो यूं किसी के सामने हाथ ना जोड़ने पड़े। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारी बच्ची के लिए आसानियां करे। रोना बंद करो। आज मेरा बच्चा, आज बिल्कुल मैं तीन प्यास की शुक्र। अरे भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है, मतीन आ जाओ। आप अभी तक गई नहीं, ये मकान खाली करें, मैंने पेंट वेंट कराना है इसमें। तुम कौन हो और मेरे घर में कहां से घुसे चले आ रहे हो? चलो निकलो यहां से। ये मकान मैंने फर्नीचर समेत खरीदा, फुल पेमेंट किया अकरम को मैंने। तो जाओ जाके अकरम से बात करो, मतीन के अब्बा आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। जाओ यहां से। मेरी फैमिली कल तक आ जाएगी, आप ये मकान मुझे खाली करके दे दें, नहीं तो। क्या नहीं तो? क्या नहीं तो? दफा जाओ यहां से। क्या क्या नहीं तो? जाहिल तुम्हारे पता नहीं कहां से मुठा के चले चले आते हैं। इंसानों के साथ भी कोई घर बेचता है भला? खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो, अपना ही घर खाली कर दो। पागल हो गए, दिमाग खराब? अभी मतीन के अब्बा आएंगे ना, फिर पता चलेगा। धक्के दे के निकालेगा मुझे कोई धक्के। और आप जैसी जालिम सफाक औरत के साथ यही होना चाहिए। अपने इकलौते बेटे की खुशियां खा गई, अपनी बहू और छोटे से नन्हे से पोते को घर से धक्के देके बाहर निकाला आपने, और क्या क्या करना चाहती हैं आप? मैं ये घर बेच के रहूंगा। कमजी थोड़ा हटे। नहीं नहीं, मुझे नहीं निकालो। नहीं, मैंने नहीं किसी को धक्के दिए। मैंने नहीं धक्के दिए किसी को। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला। मैंने नहीं निकाला किसी को घर से। मुझे नहीं निकाला कोई यहाँ से। मुझे नहीं निकाला यहाँ से कोई। मुझे नहीं कोई यहाँ से निकाला। मतीन के अब्बा, मतीन, नहीं मुझे नहीं निकाला कोई यहाँ से। एक बार मैं तुमसे एक सिफारिश करवाना चाहती हूँ। सिफारिश? कैसी सिफारिश खाना? मैं
दाऊद के लिए राबी का रिश्ता मांग रही हूँ तुमसे। प्लीज मना मत करना, मैं बहुत उम्मीद और मान से तुम्हारे पास सवाल लेकर आई हूँ। और दाऊद को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो कितना पढ़ा लिखा, समझदार और हर चीज का ख्याल करने वाला बच्चा है। कभी कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। दाऊद तो हीरा है, बेहतरीन इंसान है वो, मैं क्यों मना करूंगा। लेकिन खाला, लेकिन क्या? मेरी गुजारिश है राबी से पूछ ले, वरना मुझे कोई एतराज नहीं। राबी? लेकिन मुझे एतराज है। मैं अब शादी नहीं करना चाहती, ना दाऊद से ना किसी और से। हसन मतीन की तुम्हारे पास आखिरी निशानी है, अमानत है तुम्हारे पास। कयामत के दिन जब वो पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? उसके मुस्तकबिल का सोचो। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। पहले तो मेरे मुकाबले मतीन था, इनकार की वजह समझ आती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर इनकार क्यों कर रही हो? कुछ चीजें इंसान के अख्तियार में नहीं होती, जैसे मतीन की मोहब्बत। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना दिल ना मोहब्बत। खुद को इम्तिहान में मत डालो। ये इम्तिहान मेरे लिए एहसास होगा राबी, लेकिन मेरे लिए सजा। मेरा यकीन करो, मेरा साथ तुम्हें इस अजियत से निकाल देगा। कुछ जख्म खुरीदने में मजा आता, मुझे इस अजियत में रहने दो। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, अपना वक्त बर्बाद मत करो। कुछ वक्त बर्बाद करने में भी बहुत मजा आता है। और मैं अपनी आखिरी सांस तक के वक्त ऐसे ही बर्बाद करता रहूंगा। प्यार मेरा जाने वाला जुनू है, क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? भाई मेरा भांजा कहाँ है, मुझे उसको देखना है, जल्दी मिलवाओ मुझे। अंदर कमरे में सो रहा है। अच्छा भाई मिल लेना, पहले मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आता। बैठे आप, फरवा को बोल देते हैं। फरवा चाय लाओ भाई। इकबाल, 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 नसीम, वो ना अकरम ने मेरा घर भेज दिया, मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया उसने। और जान के देखो, पता करो उसको कहाँ छुपा बैठा है, निकाल के लाओ उसको। नसीम, तुम आओ बैठो ना, बैठकर बात करते हैं। मैं क्यों बैठूं? मेरा घर है अपना, मैं वहां जाके बैठूंगी। और तुमने अपने भाई से रिश्ता छुड़वाया था ना मेरा, मुझे याद है सब कुछ। और एक बार जाके देख के ला उसको, वो लेके बैठ गया, सारे पैसे भी खुद खा गया, मुझे निकाल दिया घर से बाहर। वो मुल्क से बाहर चला गया है, आप बैठे, ये भी आपका अपना घर है। नहीं नहीं, घर मेरा है, मेरा घर है। मतीन आता है, असलम साहब आएंगे, दरवाजा कौन खोलेगा, खाना कौन देगा, जाना तो मुझे घर ही अपने, मैं यहाँ क्यों बैठूं? बस उसको ले आ, मेरे पैसे वापस कर दे वो लाके। मैं कैसे अब होगा ये सब कुछ? श्यामा,
राबी कहाँ है? राबी मेरी बहू, राबी हमने तो कर दी, राबी मुझे हाथ तो लगाने दे, मुझे मुझे माफ कर दे, ये मेरा हाथ, मैं इसको कहूँ मुझे माफ कर दे, मैंने इसको बहुत तकलीफें दी, पता ताबीज कराए थे इसके ऊपर मैंने इतने सारे, मैंने सोचा था कि मेरा मतीन इसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, पर मुझे क्या पता मेरा मतीन ही मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो सही कहती थी, सही कहती, हाथ तो पकड़ा देना मुझे, हाथ पकड़ा दे, तू सही कहती थी, अकरम अच्छा आदमी नहीं है, इतना बुरा आदमी धक्के दिए उसने मुझे, जैसे जैसे मैंने तुझे धक्के दिए थे ना, ऐसे धक्के दिए उसने मुझे, ऐसे यू 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 करके धक्के दे गए, घर से बाहर निकाल दिया मुझे, अब क्या होगा, एक बार में कहां जाऊंगी, किधर जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे चली गई, मुझसे नफरत कर रही है, मुझसे ये क्यों ऐसे कर रही, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप बैठ, मैं क्या करूं, तुम बैठ, ये भी आपका अपना घर है पुप्पो, जिस जिसने जिसने अपना घर खुद ही जला लिया, कोई ऐसी बात नहीं की तूने, जिसने अपना घर खुद ही जला लिया, सैमन तुम तो ऐसी नहीं हो ना, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे से सारे चले गए, मैं तो अकेली रह गई, मैं तो अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, मैं पांच छह दिन हो गए मुझे घर से बाहर निकले, पांच छह दिन, तुमने अल्लाह का इंसाफ देखा राबी, किस तरह इकबाल भाई के सामने फुप्पो ने अपने एक एक जुल्म, एक एक ज्यादती का एतराफ किया है, वो एतराफ कर भी ले तो क्या कुछ बदल जाएगा, मेरी जिंदगी तो फिर भी वैसी है, क्यों क्यों नहीं बदल सकते, खुशबख्ती तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम अपनी आंखें खोलो, दाऊद मेरी बात मान लो राबी, दाऊद तुम्हें बहुत प्यार देगा, मान देगा, तहफ्फुज़ देगा, बहुत अच्छा है दाऊद, तो फिर उसके साथ बुरा सलूक मत करें, मेरा दिल उजड़ गया, नहीं करने मुझे शादी, मेरा बेटा हसन है और मैं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ, किस तरह, ना तो तुम्हारे पास तालीम है ना कोई हुनर, तुम कैसे अपनी और हसन की जरूरियात पूरी करोगे, रुपए रुपए के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाओगी, अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी मत बनो राबी कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल तक दिखाई ना दे, इस बारे में कोई बात नहीं करनी, इधर सुनो तुम मेरी बात, माना कि मतीन की दूसरी शादी से तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन क्या उसका बदला तुम उसकी औलाद से लोगी, तुम क्या चाहती हो कि उसकी औलाद दूसरों के आगे सिसक सिसक कर पले, अपनी दीवानगी में तुमने मतीन की जिंदगी छीन ली, अब उसकी रूह को कब्र में भी सुकून ना मिले, अब तुम ये गलत कर रही हो मतीन के साथ, आ, 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 आ,
हसन मतीन की तुम्हारे पास आखिरी निशानी है, अमानत है तुम्हारे पास। कयामत के दिन जब वो पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? उसके मुस्तकबिल का सोचो। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? जिंदगी आजजी है, सरकशी है या जुनू है? ये खोल के खाओ, खिलाओ, है ना? ये खाएंगे। अच्छा ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। मेरा मतीन ये खाएगा, मेरा मतीन घूमने जाएगा। ओए जूते पे कितने पौड़े पहने हुए है ना, लाओ भैया लाओ, इसको बांध देते हैं ना ताकि अम्मा और नसीम इसे मुझे दे दो, मैं राबी को देती हूँ, उसे दूध पिलाए। नहीं नहीं खा रहे है यहाँ, तुम खाना लाने यहीं ला दो, यहीं खिला दूंगी मतीन को। हाँ लेकिन इसे तो भूख लगी है ना। मतीन मेरे पास पिएगा ना, मैं ला दो। मतीन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो देखो सब कुछ खाएगा ये देखो। अब मैं और मतीन अभी हम घर चले जाएंगे, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना मतीन? जूते भी पहना दिए मैंने इसे, हम जाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। ऐसे तो पहले नहीं कहती थी, पहले तुम्हें गलत लगा होगा, मैंने पता नहीं क्या कहा होगा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं इसे दूध पिला कर घर जा रहा हूं। हाँ मैं लेकर आ रहा हूं, घर जाना है मुझे, जल्दी ला दो मुझे, मैं और मतीन घर जाएंगे। हम नहीं रहते किसी के घर, आदत नहीं है उसे बिल्कुल भी कहीं रहने की, मेरे बगैर सोता भी नहीं है, मैं मुझे भी नहीं नींद आती इसके बगैर, दिल घबरा रहा है मेरा, जल्दी ला दो। हसन मतीन की तुम्हारे पास आखिरी निशानी है, अमानत है तुम्हारे पास। कयामत के दिन जब वो पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? उसके मुस्तकबिल का सोचो। अम्मी 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 हसन, हसन किसके पास है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? क्या हो गया बेटा? फरवा के पास होगा। फरवा के पास नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। आपने आप वो फुप्पू फुप्पू भी यही है ना, फुप्पू से लेके ना चली गई हूँ। नहीं नहीं हाँ, तुम फोन करो जरा, मैं लेके गई होंगी। मुझसे छीनना चाहते नहीं, कोई छीनता तुम्हारे बच्चे को, बैठ जाओ, कोई नहीं छीनता। क्या करेंगे अम्मी, फुप्पो बहुत पत्थर दिल है, बहुत बहुत जालिम है, मार देगी मेरे बच्चे को, आप चले मेरे साथ। कुछ नहीं होता राबी, वो पागल नहीं है, कुछ नहीं करेगी, तुम हौसला रखो। अभी फोन किया है ना इकबाल को, वो आता ही होगा। राबी नहीं, मेरे बच्चे के साथ क्या करेगी राबी? मेरी जुर्म की सजा सुना दे अम्मी। पानी पियो, इकबाल हसन को ले आएंगे। देखो मार ना दे, वो क्या किया ये? दाऊद दाऊद वो हसन को ले गई है, कुछ भी करो उसे वापस ले आओ, उन्हें बोल दो मुझे वापस जेल में डाल दे, लेकिन मेरे बच्चे को वापस ले आओ, उसे मार ना दे के वो मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होता, बस कमरे में सोया हुआ था ना, फुप्पो आई उसे उठा के ले गई, पता नहीं अब कहाँ लेके गई है।
आप लोग राबी को संभाले, राबी मैं हसन को वापस लेकर आऊंगा, तुम परेशान हो, हम ही मजाक करते हो। राबी पानी पी लो, अभी पानी पिलाओ। मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं भी अगर इनके किसी को नहीं दूंगी, नहीं चले जाओ घर यहाँ से, नहीं कोई भी नहीं आएगा मेरे पास, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। क्या कर रही है आप, क्या कर रही है, बच्चा दे दे, ये बच्चा आप हमें दे दे, ये गिर जाएगा, प्लीज क्या कर रही है आप, आके आ जाए, आप आके आ जाए, बच्चा हमें दे दे, प्लीज हमें दे दे, बच्चा हमें दे दे। अटका जा रहा भाई, अभी हमारे घर पे बोल यार, गिर जाएगा हसन, क्या कर रही है आप, इसे मुझे दे दे, गिर जाएगा ये। अच्छा अच्छा, आप लगा मेरी के चला लगा, हम पुपो हम यहाँ हसन को लेने नहीं आए, हम आपको लेने आए, वो अकरम है ना, उसे घर की चाबी दे दी है। झूठ, सही बता। हाँ हाँ, चाबी मेरे पास है, इकबाल के पास चाबी, आप इधर आएगा आगे। हाँ ये मेरी बात नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं देना नहीं है। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी इकबाल, आई देता हूँ चाबी। वो मेरा मतीन ले गया। नहीं लेके गया, किसे लेके गया, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। दाऊद शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए तो मैं समझाती हूँ, हसन की परवरिश के लिए तुम्हारे साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है, जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है, सौ दफा जीता है, सौ मरतबा मर जाता है, माफ कर दो मतीन, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूं। जिन हाथों ने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए दुआएं की, उन्हीं हाथों ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया मतीन, माफी मांगती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे रावी, सरदाउद बहुत अच्छे इंसान है,
देखना तुम और हसन हमेशा उनके साथ बहुत खुश रहोगे। चलें। मतीन उठ जा बेटा, हद कर देता है भाई। कहती हूँ ना रात को जल्दी सो जाया कर, नहीं वहां जाना है वहां जाना है वहां जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता रहता है। उठो चलो चलो काम पे जाना है। अब्बा पहुंच भी गए वहां पे, दुकान खोल के बैठे हैं दुकान पे। उठो चलो अब्बा अब्बा की मदद करो जाके, नाश्ता बनाऊं फिर मैं तुम्हारा। उठ जाओ। नहीं उठता भाई ये, जब तक ना इसे मैं अल्लाह थका मारा, जब तक मैं पड़ मार के ना उठाऊ ना, ये नहीं उठने का। उठ जा, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, उठ जा उठ जा उठ जा। हाँ दे मतीन, जब तक उठाऊ ना ना मतीन, उठता नहीं। उठ जा मेरा बच्चा, शाबाश उठ जा। अरे उठ जा ना, उठ जा, मैं कह रही हूँ उठ जा, उठ जा। अम्मा जी क्या कर रही हैं? किसी की कब्र खोद रही हैं? बेहुर्मती होती है कब्र को खोदना। कब्र होगी तेरी, अपने बेटे को उठा रही हूँ मैं, उठ जा। नहीं करें, गलत होता है ये। ठहर, भाग यहाँ से, दफा जा यहाँ से। तंग कर रहा है मुझे मेरे बेटे को। हेलो मतीन, उठ जा, देख सब लोग आ रहे हैं, बुरी बात है। हाँ, यहाँ पर माँ का कहना मानते, कभी भी नहीं कहना मानते। उनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं लग रहा, वो कब्र खोद रही है। उठ जा। आप प्लीज आए यहाँ पर आकर देखें, प्लीज आकर देखें, जल्दी आए। उठ जा, उठ लीला, उठ जा ना, उठ जा। अरे उठ जा, क्यों नहीं उठता तू? उठ जा, उठ जा। राबी, मैं कभी भी तुम्हारे दुखों का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं और तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है, जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है। की हालत को बताएं तो बताएं कैसे, सौ दफा जीता है सौ मर्तबा मर जाता है। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? क्या ये मतीन, मतीन इधर आ, इधर देखिए कितनी अच्छी सेल्फी आ रही है। लोग मिलके जो बिछड़ते हैं ये क्यों होता है, क्यों होता है? बसते आंगन जो जड़ते हैं ये क्यों होता है, क्यों होता है? रास्ते मंजिलों से दूर ही क्यों रहते हैं, पांव जम के जो उखड़ते हैं ये क्यों होता है? यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे
वाला।